सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टूडेंट FF। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ओपिनियन है, तो वीडियो को पहले से लाइक करता हूँ, चैनल पर तो सब्सक्राइब करते हो, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि आप कैसे यहाँ पर बना सकते हैं कुछ ऐसा थंबनेल जो कि आपने प्रीव्यू में भी देखा है, तो अभी भी बताना जरूरी है बिकॉज वॉच टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वॉच टाइम के बिना कुछ नहीं हो सकता। और गाइज, तो आज की वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को और सेट जरूर से कर देना। और इस वीडियो में जो भी पैक वगैरह मैंने यूज़ किया, फोटो फॉन्ट जो भी यूज़ किया, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और इस थंबनेल का जो प्रीसेट होता है वो भी मैंने पैक में दे दिया, मैं पैक में नहीं दिया सॉरी, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरी लिंक ओपन करना नहीं आती तो मेरी वीडियो देख सकते हो, हाउ टू ओपन माय लिंक्स वाली, तो सिंपली आपसे मेरी लिंक ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी तरीके चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर से कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, बिकॉज अगर आपको कुछ भी बनवाना है मेरे से, लोगो या बैनर या थंबनेल या वीडियो एडिट करवाना है, तो सिंपली मेरे से पेड वर्क करवा सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। तो जाओ इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टाग्राम, सो जाओ और मैसेज करो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिट करना है। सिंपली टेक्स्ट एडिट करने से पहले आपको पिक्सल ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो मोड वर्जन होगा तो डाउनलोड कर लेना, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ अपना टाइटल, जो भी आपको टाइटल देना अपनी वीडियो में दे सकते हो, अपने थंबनेल में आई मीन। तो यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ वैसे ही आप भी दे सकते हो, या फिर आपके हिसाब से जो देना आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ हेडशॉट, इसको कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद सिंपली हम जाएंगे कलर में, और कलर में जाने के बाद ये वाला ग्रेडियंट आप दे देना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर देना आप भी, सिंपल। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डार्क ग्रीन इसको देना है हमको, तो मैं यहाँ पर ढूंढ के डार्क ग्रीन दे देता हूँ। तो देख सकते हो नीचे हमको डार्क ग्रीन देना है, गलती से मैंने लाइट दे दिया, तो यहाँ पर ऊपर वाले में हमको लाइट ग्रीन देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लाइट ग्रीन चूज़ कर लिया, उसको राइट ओके। इनर शेडो में जाना है, इनर शेडो में जाने के बाद यहाँ पर हमको लेना है लाइट पिंक कलर, ठीक है, लाइट पिंक कलर, पिंक कलर का थीम रहेगा हमारा थंबनेल का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली एम्बॉस देंगे, इसमें एम्बॉस पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे एम्बॉस पे सेटिंग जो जो कर रहा हूँ मैं वैसे आप भी सेटिंग कर लेना, ठीक है। तो जो जो मैं कर रहा हूँ वैसे देख के आप भी कर लो। तो यहाँ पर हो गया, अभी सिंपली इसको ट्रांसपेरेंट करना बैकग्राउंड, एंड इसको कर देते हैं हम एक्सपोर्ट। अभी आपको लेना है, सिंपली डबल क्लिक करना है इस पर, और नेक्स्ट वाला जो मतलब टाइटल का जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा टेक्स्ट होता है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ, इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाईलाइट्स, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट हमारा जो था मतलब जो टाइटल होता है वो है हमारा, तो सिंपली इसको भी कर देना है कलर, दे देना आपको ये वाला ग्रेडियंट, आपको दे देना है ये वाला ग्रेडियंट, कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है तो इसको ले लेना, सिंपल, देख सकते हो। प्लस पे क्लिक करना और एक और प्लस पे क्लिक करना, इनको दे देना ब्लैक एंड वाइट, सॉरी वो लेना ग्रे, तो डार्क ग्रे कलर लेना है। यहाँ पर मैं अभी जाके फिर से चेंज करूँगा, एंड यहाँ पर इनर शेडो आपको वाइट ले लेना है, यहाँ देख सकते हो वाइट इनर शेडो ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें ना वो इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा जो कि देखने को मिलना चाहिए। तो मैं भी सिंपली क्या करूँगा, सिंपली कलर में जाएंगे हम वापस से, कलर में जाने के बाद जो ग्रे कलर होता है उसको कर देंगे हम डार्क, और इसको कर देंगे सेव। उसके बाद चलते हैं हमारे पीएस टच की तरफ, तो चलते हैं, लेट्स गो। ले लेंगे, गलती से मैंने कुछ और क्लिक कर दिया सॉरी। तो यहाँ पर मिलेंगे 1920x1080 वाला जो रेशियो, लेने के बाद इसको राइट कर देंगे, जाएंगे अपने फोटो लाइब्रेरी फोटो लेयर में, और जो आपको स्क्रीनशॉट लेना वो आप ले सकते हो आपकी मर्जी। मैं ले लेता हूँ ये वाला स्क्रीनशॉट जो कि मैंने पैक में अभी आपको दे दिया, तो पैक से भी आप ले सकते हो, तो सिंपल। यहाँ पर इसको लेने के बाद सिंपली इसका ओपेसिटी हम कम करेंगे ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर इसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपने हिसाब से, आप एडजस्ट कर लेना, जैसे आपको एडजस्ट करना चाहिए वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सिंपल ये मेरे को सही दिख रहा है, तो मैं सिंपली इसको राइट कर दूंगा, राइट करने के बाद इसकी ओपेसिटी वापस हम नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल करने के बाद अभी आपको लेना है यहाँ पर पेन टूल, और इसको करना है आपके अपने कैरेक्टर को पीएनजी बनाना, मतलब आउटलाइन इसका ट्रेस करो। यहाँ पर हाइट पॉइंटर था तो शॉर्ट पॉइंटर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे कर देना आप भी, यहाँ पर क्लिक करके एक एक पॉइंट आगे जाना और क्लिक करते जाना। तो इस पार्ट को मैं करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज द बोरेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो एन्जॉय द पार्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप स्लो डाउन करके देख सकते हो वीडियो, लेट्स बी गया मतलब चलो फास्ट करते यार। सिंपली कैसे हम लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करने के बाद आपके जो कैरेक्टर का यहाँ पर पीएनजी बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको हाइट पॉइंटर कर दूंगा, अभी यहाँ पर डिसलेक्ट करते हैं, अभी आप देख सकते हो इसका पीएनजी बन के रेडी चुका है। अभी आपको क्या करना है गाइस,
अभी सिंपली कैसे आपको टिंट पे जाना है, टिंट पे जाने के बाद आपको पिंक कलर का टिंट दे देना है यहाँ पर, जैसे मैं देख सकते हो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, सिंपली इसको हाई कर देंगे, पिंक कलर का टिंट आपको देना है। तो आपके हिसाब से जो भी पिंक आपको अच्छा दिखे वो आप दे सकते हो, बल्कि यहाँ पर जैसे मैं ले रहा हूँ वैसे भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ ज़्यादा डार्क हो गया तो यहाँ पर सैचुरेशन कम कर देंगे इसकी, तो जितना आपको सेटिस्फाई होगा उतना कर देना। तो इतना अच्छा दिख रहा है, मैं इतना सही लग रहा है तो इतना राइट कर दूंगा। राइट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, फोटो लाइब्रेरी, फोटो लेयर में जाने के बाद पैक में आपको ये वाला फोटो मैंने दे दिया, तो पैक से ये वाला फोटो लेके आ जाना आप। तो नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, आपको दूसरा फोटो मतलब डॉटेड लाइंस वाला फोटो होगा तो वो लेकर आ जाना। दिस इज़ द थिंग। एंड यहाँ पर आपको क्या करना, सिंपली इसको लिमिट टच कर देना, लिमिट टच करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है कम कर देना। कम करने के बाद अभी आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर आपको काम करना है। सिंपली आप अपने कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, करने के बाद सिंपली इसको सेलेक्ट पिक्सल्स करने के बाद आप एंड में जाएंगे, एंड फिल एंड स्ट्रोक में मतलब एम्प्टी लेयर क्लिक करने के बाद, क्रिएट करने के बाद फिल एंड स्ट्रोक में जाना, एंड स्ट्रोक देना आपको 0.5 का, ठीक है। तो 0.5 का स्ट्रोक देंगे तो यहाँ पर दे देता हूँ, वाओ। तो 0.0 नहीं क्लिक करके मैं सिर्फ पॉइंट कर रहा हूँ तो गलती से हो रहा है, तो 0.3 देखते हैं, 0.3 नहीं इसने कुछ खास नहीं दिया, 0.4 लेते हैं, चलो 0.5, चलो ये सही है। अभी आपको अपने सिंपली इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सॉरी डायरेक्शन ब्लर नहीं, स्टाइलिस में जाने के बाद आपको सिंपल रिपल पे जाना है, लास्ट में जो रिपल दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसको। तो मैं जैसे कर रहा हूँ इसलिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर से इसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, फिर से हम रिपल में जाएंगे, रिपल में जाने के बाद सिंपली इसको उससे थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, तो जैसे आपको आपको जैसा लग रहा है अच्छा वैसे आप रख सकते हो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसमें डालना मत, बिकॉज ऐसी नॉर्मल भी बहुत अच्छा दिखता है, तो कुछ लोग इफेक्ट भर देते हैं। तो अभी सिंपली इसको हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद सिंपली इसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, सॉरी डायरेक्शन ब्लर दे देंगे पहले, उसके बाद डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। यस, अभी आपको क्या करना है, सिंपली डुप्लीकेट लेयर बना, मतलब इसको मैंने दे दिया डायरेक्शन ब्लर, जितना 20 का डायरेक्शन ब्लर दिया आप भी दे सकते हो उतना ही। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद सिंपली दोनों को मर्ज डाउन कर देंगे, एंड यहाँ पर इसका भी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। अभी बनाने के बाद सिंपली हम जाएंगे ग्लो में, ग्लो देंगे आपको इसको, पिंक कलर का ग्लो देना है हमको, तो यहाँ पर हम पिंक कलर चूज़ कर लेते हैं, तो ये वाला पिंक नहीं, हाँ ये वाला पिंक, तो इधर है, और थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देंगे, एंड राइट, तो इतना भाई बस। अब ग्लो दे देंगे, थोड़ा सा ब्लर उसका इंक्रीज़ कर देंगे, एंड राइट कर देंगे, एंड फिर से इफेक्ट में जाएंगे और फिर से ग्लो देंगे, ग्लो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, उसका इंटेंसिटी कम कर देंगे। इतना कम करने के बाद सिंपली आपको इसके हिसाब से करके रेडी उसको करना है राइट। अभी यहाँ पर लिनर टॉस दे रहे हैं आपको उसको, तो भाई कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे, उतना ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। सिंपली इसका भी यहाँ पर ओपेसिटी, तो चलो ये वाला अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपका कैरेक्टर का काम तो आपका ख़त्म हो गया, अभी आपको सिंपल ये एम्प्टी लेयर डिलीट कर दिया मैंने, ओके। अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये वाला फ़ोटो लेकर आना है आपके पैक से, तो देख सकते हो ये वाला फोटो आपको पैक में मिल जाएगा, पैक से ले लेकर आ जाना ये वाला फोटो। लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये करने के बाद सिंपली इसको लिनर टॉर्च कर देना है। लिनर टॉर्च करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कितना ओपी लग रहा है, ठीक है। अभी से आप इसमें इफेक्ट और डालोगे तो और अच्छा दिखने को मिलेगा, तो अभी थोड़ा सा सफ़र कर लो, ठीक है। तो इतना करने के बाद अभी आपको सिंपली फिर से जाना है अपने पैक में, और सॉरी अभी आपको टेक्स्ट लेकर आना अपने, यस। तो मैं जाता हूँ अपने फोटो लाइब्रेरी फोटो लेयर में, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी, हाउ कैन आई फॉरगेट, ओह यस आ गया मैं वापस, सो गया था शायद मैं। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है, फोटो लाइब्रेरी फोटो लेयर में क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट लेकर आना है अपने, ठीक है। तो टेक्स्ट ओके, नहीं टेक्स्ट नहीं, ये वाला फोटो लेना विजनेट वाली, ये अपने कैरेक्टर के ऊपर जो वाइट वाइट होता है ये कैरेक्टर के ऊपर लगा देना, और बाकी विजनेट एरिया साइड में लगा देना लाइक दिस, एंड बस इतना करना। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से आपको लाना है अपने टेक्स्ट्स लेकर आना है आपको, ठीक है। पिक्सेल लैब में जाने, ठीक है। अब यहाँ पर हेडशॉट लेना है, हेडशॉट वाला फोटो यहाँ पर हम लगा दिया, ऑब्वियस के नीचे लगाना है आपको हाइलाइट्स वाला फोटो, यहाँ पर लगाने ये लगा देते हैं हम आराम से एकदम अच्छी तरीके से, तो देख सकते हो जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप एडजस्ट कर लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। और अगर जिस किसी ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, अभी बहुत सारा मौका है आपके पास। अभी इसको कर देते हैं मर्ज, मर्ज करने के बाद सिंपली ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको इसका लॉक एक्सपेक्ट रेशियो जो उसको अनलॉक करना है,
और करने के बाद इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देना, मोटा कर देना, मोटा करने के बाद सिंपली इसको जैसे आपके हिसाब से लगा देना। अभी आपको सिंपल वार्प में जाना है, इसका हम पिक्सेलेज बंद कर देंगे अभी फिलहाल। अभी आपको वार्प में जाना है और आपको कुछ ऐसा वाला यहाँ पर अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है। तो मैं बता देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करूँगा बिकॉज ये बहुत पकाएगा मेरे को। इतना करने के बाद सिंपली इसका सिलेक्ट पिक्सल्स करेंगे। करने के बाद अभी आपको स्ट्रोक देना है इसमें, सिंपल एम्प्टी लेयर क्रिएट, और अभी आपको स्ट्रोक देना है एकदम डार्क पिंक कलर का स्ट्रोक देना, एकदम डार्क जैसे मैं दे रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो। यहाँ पर सिंपल पिंक कलर पहले मैं चूज करूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कैसे एकदम डार्क पिंक दे रहा हूँ मैं, और एकदम डार्क और डार्क और लाइट, मतलब राइट। चलो इतना डार्क पिंक देने के बाद सिंपली आपको हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद अभी आपको ये लेयर में आपको क्या करना है, सिंपल हाइट पॉइंटर जो आपको शो पॉइंटर पे क्लिक करना है, आई मीन पॉलीगन सिलेक्शन टूल लेना है और शो पॉइंटर पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे आप ही सिलेक्ट कर लेना। तो इसको मैं करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। इतना करने के बाद सिंपली आपको इसको फिल कर देना है, फिल इन स्ट्रोक में जाने के बाद देना आपको डार्क पिंक कलर का फिल। तो यहाँ पर ऑलरेडी डार्क पिंक कलर चूज्ड है, तो यहाँ पर हम देंगे इसको फिल एंड राइट। राइट करने के बाद देख सकते हो आपका एकदम मस्त दिखने को मिल रहा होगा आपको अपना टेक्स्ट। तो डीसेलेक्ट करेंगे, डीसेलेक्ट करने के बाद भाई कतई जहर दिख रहा है अभी से, अभी तो बहुत काम अभी इसमें बाकी है। तो अभी आपको दोनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद इसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद सिंपल क्या करना है आपको बताता हूँ। सिंपल पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ उतना खास नहीं दिख रहा मेरे को, तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको किया एडजस्ट। अभी आपको क्या करना है, सिंपल करते हैं इसका डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। बनाने के बाद इसको देंगे गॉशियन ब्लर। तो अभी आप आधे लोग समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ, बहुत तेज हो रहे हो। तो इसी बात पे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो, 200 लाइक्स का एम देता हूँ, ठीक है गाइस। 200 लाइक्स का एम है, जल्दी से लाइक कर दो। तो लीना टॉर्च दे देंगे हम इसको। अभी यहाँ देख सकते हो आपका टेक्स्ट ग्लो देखने को मिल रहा होगा आपको अपने टेक्स्ट पे, ठीक है। अभी आपको सिंपली एम्प्टी लेयर बनाना है टेक्स्ट के ऊपर अपने। बनाने के बाद सिंपल लेना आपको ब्रश टूल, और यहाँ पर व्हाइट कलर का ब्रश लेना, और यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ट्रेस कर देना है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे भी मैं डॉट डाल रहा हूँ वैसे वैसे आप डॉट डाल देना। तो देख सकते हो ऐसा करने के बाद सिंपली इसको भी दे देंगे हम गॉशियन ब्लर, इतना गॉशियन ब्लर राइट। चलो अभी इसको कर देंगे हम लीना टॉर्च, और भाई का तेज चेहरा देखने को मिल रहा है। इसका थोड़ा सा ओपेसिटी हम कम कर देंगे, कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। करने के बाद सिंपल अभी आपको सिंपली अपने पैक में जाना है, सॉरी आपको अपने टेक्स्ट के नीचे एक एम्प्टी, पहले इसको ड्रैप शैडो दे देना, आपको टेक्स्ट के नीचे अपने ड्रैप शैडो लगा दिया, ड्रॉप शैडो आई मीन। लगाने के बाद सिंपली एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है आपको, एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है आपको सबके सबसे नीचे, और यहाँ पर देना आपको ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा, और कैसा वाला ग्रेडियंट देना आपको ये देख सकते हो आप। यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करूँगा, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पर आपको जैसे हमने यहाँ पर डार्क पिंक लिया था अपने स्ट्रोक में, वैसे आपको यहाँ पर भी डार्क पिंक ले लेना है फेड में, फेड वाला, उसको फेड बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर फेड ले लिया, देख सकते हो कैसा देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, करने के बाद सिंपल राइट, एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम राइट। चलो इतना बेस्ट है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल अभी आपको सबसे ऊपर जाना है, एंड और यहाँ पर आपको अपने पैक में वापस जाना है। पैक में जाने के बाद सिंपली आपको पैक में ये वाला फ़ोटो मिल जाएगा, ये वाला पिक आपको लेकर आना है, एंड इसको देना है राइट कर देना है पहले तो, और कलर बैलेंस में जाना है। तो कलर बैलेंस में हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा रेड हमको इसको इंक्रीज कर देना है, तो जितना पिंक जहाँ पर आता है वहाँ तक इंक्रीज़ करेंगे एंड राइट कर देंगे, एंड यहाँ पर लीनर टॉर्च दे देंगे इसको भी, और ट्रांसफॉर्म करके इसको ऊपर लगा देंगे सबसे ऊपर, ठीक है। करने के बाद राइट, अभी आपको क्या करना है, सिंपल से देख सकते हो इतना अच्छा लिख रहा है आपको। अभी आपको लेकर आना है ये वाला फ़ोटो, मतलब एरो, एरो लेकर आने के बाद सिंपल इसको इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो जैसे जैसे तो मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे ऐड कर देना आपको। इतना करने के बाद सिंपली इसको कर देना है डुप्लीकेट लेयर, एंड डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद जो डुप्लीकेट लेयर होता है उसको कर देंगे हम ट्रांसफॉर्म, एंड फ्लिप वाई फ्लिप एक्स दोनों करेंगे फ्लिप एक्स, एंड यहाँ पर नीचे लगा देंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा में रखेंगे नीचे वाले को, एंड राइट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ऊपर वाले के मुकाबले। अब दोनों को कर देंगे मर्ज, एंड इसको बनाएंगे डुप्लीकेट लेयर, एंड इसको कर देंगे यहाँ पर गॉशियन ब्लर।
एंड्रॉइड। अभी आपको सिंपली मैंने दे दिया है प्रीसेट पैक में, आपको सिंपल पैक में मिल जाएगा। तो पैक से सिंपली आप डाउनलोड कर लेना प्रीसेट और डाउनलोड करने के बाद लाइट रूम पर लगा देना। तो इतना काम हमारा देख सकते हो, आपका थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। अभी एक लास्ट काम आपको बाकी करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड यहाँ पर दे देंगे हम वाइट कलर का स्ट्रोक देंगे 25 का, ठीक है। वीट रहेगी 25 एंड कलर रहेगा वाइट। तो समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसको राइट कर देंगे एंड यहाँ पर इसको कर देंगे ओवरले। तो यहाँ पर इसका जो बॉर्डर देख सकते हो आप बन चुका है। तो इतना होने के बाद सिंपली इसको करेंगे हम सेव और चलते हैं हमारे लाइट रूम की तरफ। सिंपली गाइस मैंने आपको प्रीसेट दे दिया, आपको पैक में सिंपली पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो प्रीसेट लग चुका है अपने पैक में। सिंपली इसको करना है डाउनलोड, अभी भी अपने वीडियो पे यूज़ कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद हो तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, बिल नोटिफिकेशन कॉल पर सर्च करना। और इसका मैंने प्रीसेट दे दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर लेना। और किसी को प्रीसेट ऐड करना नहीं आता तो टेंशन नॉट, आप विदाउट प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने उतना कुछ बेकार भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जरूर से 200 लाइक्स कंप्लीट कर देना, 100 कमेंट्स कर देना इस वीडियो पे, एंड इस वीडियो पे गोल देता हूँ मैं 100 सब्सक्राइबर्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे, तो कंप्लीट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट कर देना कौन सी वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बिकॉज जो आप कमेंट करते हो वही वीडियो लाता हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।